हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्री फायर के एक एरर के बारे में बात करने वाले हैं। फ्री फायर की न्यू अपडेट OB41 के बाद आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि फ्री फायर में इंटर होने के बाद जो फ्री फायर का करेक्टर है वो ब्लैक हो जाता है। साथ ही अगर आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हो तो वहां पे भी सभी चीजें आप लोगों को ब्लैक दिखाई देती है। ऐसा सिर्फ आप लोगों के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं होता, अगर आप लोग लोन वॉल्फ या फिर क्राफ्टलैंड का कोई भी मैप लगाते हो तो वहां पे भी आप लोगों को सेम यही इशू फेस करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे और काफी लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मुझे वीडियोस भी भेजी। सो फाइनली गाइस, मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ चुका हूँ। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को करेक्टर ब्लैक वाली प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है अपडेट के बाद तो आप लोग इस वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये वाला एमुलेटर ग्रिनाना स्मार्ट एमुलेटर में आता है या फिर स्मार्ट गागा में आता है या फिर किसी भी एमुलेटर में आता है तो सेम आप लोगों को इसी वाले प्रोसेस को फॉलो करना होगा। सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलें गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यह करना है कि जिस भी एमुलेटर में आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको आप लोग ओपन करेंगे एंड उसमें फ्री फायर को ओपन कर लेंगे। जैसा कि मेरे केस में मुझे ये प्रॉब्लम ग्रीना स्मार्ट 3.0 वाले एमुलेटर में आ रही है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फ्री फायर को ओपन करने के बाद हमारा जो करेक्टर है वो यहाँ पे ब्लैक शो हो रहा है। साथ ही जो भी गन स्किन होती है वो भी आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक ही शो होगी। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं तो ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी आप लोगों को ब्लैक शो होंगे और यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नजर नहीं आएगा। जस्ट यहाँ पे जो एडम करेक्टर होगा वही आप लोगों को शो होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा गन का डैमेज होता है वही हमें शो होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड से बैक जाएंगे और यहाँ पे कैसे आप लोगों ने सिंपली से ये करना है कि यहाँ पे ये जो डाउनलोड सेंटर होगा इसको ओपन करने के बाद जितने भी ये रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे होंगे इन सभी को हम लोग स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद कॉर्नर पे आप लोगों के पास 3 डॉट्स दिखाई देंगे जिन पे क्लिक करने के बाद ये जितना भी एक्सपेंशन पैक हमने डाउनलोड किया होगा इस सभी को आप लोगों ने डिलीट कर देना है। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करके इसको कन्फर्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग अपने एक्सपेंशन पैक को डिलीट करोगे तो हमारा जो करेक्टर पूरे का पूरा ब्लैक था वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। अभी आप लोगों ने किसी भी रिसोर्स को डाउनलोड नहीं करना। अगर यहाँ पे आप लोग मैप्स को ओपन करते हैं तो इसमें जितने भी मैप्स हैं जिनको डाउनलोड करना पड़ता है उनको अगर आप लोग डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आप लोगों के पास जो ब्लैक स्क्रीन वाला इशू है वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि जितने भी मैप्स हैं जिनको डाउनलोड करना पड़ता है जैसे कि लोन वॉल्फ, क्राफ्टलैंड के कुछ मैप्स हैं या फिर ये जो ज़ॉम्बी हंट वगैरह है इनको आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना क्योंकि आप लोगों को कुछ लेटर्स में ये जो ब्लैक स्क्रीन वाला इशू है ये देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, जिस तरह से CS रैंक है या फिर BR रैंक है उनको आप लोग इजीली प्ले कर सकते हो, उसमें आप लोगों के पास जो सभी चीजें हैं वो नॉर्मली ही शो होंगी। अगर तो आप लोग न्यू अपडेट OB41 को किसी भी ऐसे एमुलेटर में खेलते हो जिसमें आप लोगों के पास हायर एंड्रॉइड होता है जैसे कि ब्लूस्टैक्स LD प्लेयर या फिर नॉक्स प्लेयर वगैरह, तो उन एमुलेटर्स में अगर आप लोग एक्सपेंशन पैक को डाउनलोड भी कर लेते हो तो आप लोगों के पास ये वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। ये जो इशू है ये जस्ट आप लोगों को उन्हीं एमुलेटर्स में आएगा जो काफी ज्यादा ओल्ड एमुलेटर्स हैं। साथ ही गाइस, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि न्यू अपडेट OB41 के बाद जब भी आप लोग गेम को ओपन करते हो तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक पॉपअप आ जाता है, एमुलेटर लॉगिन डिटेक्टेड, योर गेम एक्सपीरियंस में नॉट बी ऑप्टिमल व्हेन प्लेइंग विद एन एमुलेटर। न्यू अपडेट OB41 के बाद जितने भी लोग एमुलेटर पे फ्री फायर को प्ले करते हैं तो एमुलेटर पे फ्री फायर की ऑप्टिमाइजेशन को कम किया गया है। होपफुली कुछ ही टाइम में ये जो प्रॉब्लम है ये ऑफिशियली ग्रीना की तरफ से फिक्स हो जाएगी। उसके बाद जितने भी लोअर एंड्रॉइड वर्जन है या फिर जितने भी पुराने एमुलेटर है लाइक ग्रीना स्मार्ट एमुलेटर या फिर स्मार्ट गागा कुछ ऐसे वर्जन हैं उनमें आप लोग लोन वॉल्फ और ट्रेनिंग ग्राउंड वगैरह भी खेल पाओगे और आप लोगों को ये जो ब्लैक स्क्रीन वाला इशू है या फिर आप लोगों का जो करेक्टर ब्लैक हो जाता है ये भी इशू आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए अगर आप लोग इन ओल्ड एमुलेटर्स में खेलना चाहते हो तो आप लोगों को एक्सपेंशन पैक डाउनलोड नहीं करना और कुछ दिन वेट कर लेना है। जैसे ही कोई भी न्यू पैच अपडेट आएगी जो स्मॉल सी अपडेट आती है 3-4 दिन बाद जो 5-6 MB की होती है तो उसमें होपफुली ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। फिर भी गाइस, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के हर कमेंट का टाइमली आंसर कर सकूं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।